उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना जनकपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान खैर की लकड़ी सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में खैर की लकड़ी सहित मारुति कार बरामद की है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संवाददाता जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। जानकारी में लाना चाहूंगा, आज प्रातःकाल में चेकिंग के दौरान राकेश सैनिकल के पास में एक अवैध तस्करी का लकड़ी ले जाई जा रही थी, जो खैर की लकड़ी है और जंगलात से काटी जा रही है, जिसमें 3 मुलजिम इकबाल, वसीम और इसरार ये गिरफ्तार हुए। तीनों थाना भवन शामली के रहने वाले हैं। ये एक गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर कार में इसको पायलट करके लेके जा रहे थे, और जो ट्रक है उसमें लगभग 1.5 टन 15 क्विंटल करीब लकड़ी लदी हुई है, उसका वजन कराया जा रहा है और इसकी जो बाजार की कीमत है वो लगभग 5 लाख रुपये है। ये पता चला है कि ये शिवालिक रेंजेस से जो खैर के जो वन है वहाँ से इन लकड़ियों को अवैध तरीके से काट करके गैर प्रांत में जा करके बेचते हैं। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जो पूछताछ में 2 अन्य बदमाशों के नाम संज्ञान में आए हैं जो भागने में सफल रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद इस केस में आगे प्रगति की जाएगी।